विश्वास कीजिए, आप लोग को नया चाहिए। तमाशा नहीं चाहिए आपको। कभी नहीं सोचे थे कि ये सब भी होगा। सरकार कुछ नहीं करती है, सिर्फ तमाशा देखते रहती है। लूट गए हम लोग। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज यानी रविवार को इंडिगो एयरलाइंस के स्टेट हेड रहे रुपेश सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बता दें, रुपेश के परिजनों से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव छपरा स्थित उनके गांव जाएंगे। इस बात की जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेट हेड रहे रुपेश सिंह की हत्या के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस हत्या को लेकर सियासी गलियारे में काफी नाराजगी देखी जा रही है। पटना से लेकर छपरा स्थित रुपेश के पैतृक आवास पर भी मातम पसरा हुआ है और विभिन्न दलों के नेता रुपेश के परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दे रहे हैं। रुपेश की हत्या के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम प्रेस रिलीज जारी कर कहते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये कितना हास्यास्पद है। हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों ने बिहार को बाकी राज्यों से आगे कर दिया है। बता दें, रुपेश के पिता शिवजी सिंह ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। रुपेश के पिता का कहना है, नेताओं के दौरों से उन्हें कोई फायदा नहीं दिख रहा क्योंकि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में उनकी आखिरी उम्मीद सीबीआई जांच से है। वहीं रुपेश की बेटी आराध्या ने एक बार फिर सरकार से अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कही है। रुपेश की बेटी का कहना है कि अपराधियों को पहली गोली उनकी मां मारेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक रुपेश सिंह हत्याकांड का मामला जो है वो कब रुपेश सिंह के हत्यारों को पकड़ा जाता है।